आईपीएल नीलामी के खिलाफ दर्ज हुई याचिका। आईपीएल के खिलाफ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। आईपीएल एक सबसे बड़ी दुनिया की लीग है और उसमें आईपीएल में लगातार देखा जाता है कि बड़े बड़े दिग्गज हिस्सा लेते हैं। इस लीग में 8 टीमें हिस्सा लेती हैं, लेकिन इस समय आईपीएल के खिलाफ ही याचिका दर्ज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में कहा गया था कि आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिसे खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग में क्रिकेट खिलाड़ियों की नीलामी और बिक्री को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि उसने सिर्फ प्रचार पाने के लिए याचिका दायर की है। याचिका में खेल को गैरकानूनी बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बोली लगाने, नीलामी बिक्री करने की प्रक्रिया को रद्द या अमान्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि यहाँ मानव की खरीद फकोहत का कोई सवाल नहीं उठता और यह एक जनहित याचिका नहीं है, बल्कि यह प्रचार पाने वाली याचिका है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति हरिशंकर की पीठ ने कहा कि याचिका में बिक्री या नीलामी को लेकर लगाए हुए आरोप राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए अपमानजनक हैं। यह याचिका दिल्ली निवासी सुधीर शर्मा ने दायर की थी। याचिका में कथित तौर पर कानून का उल्लंघन करने वाली टीम मालिकों सहित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।